अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक्सपो सेंटर कराची से IEEE फेयर पे से हम आपके साथ एक फिर मुखातिब हैं। कमाल मियां साहब जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं फास्ट केबल्स के, हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपसे लगभग कोई 6 माह के गैप से दोबारा बात हो रही है। आखिरी दफ़ा हमने दुबई मिडल ईस्ट एनर्जी में आपसे बात की थी मार्च में। इस दौरान में बहुत सारी चीज़ें मुश्किल चली, इम्पोर्ट्स के ऊपर कुछ बैन भी थे, कुछ लोकल इंडस्ट्री को उसका बेनिफिट भी हुआ और किसी जगह पर इंडस्ट्री के स्लो होने की वजह से लॉस भी हुआ। ओवरऑल कैसा रहा बहुत सारा पिछला टाइम? ओवरऑल जी बड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि जाहिर है जब मुल्क में ओवरऑल बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर जो ग्रोथ जो है वो कम हुई है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिमांड भी कम हुई है। और इससे चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में जहाँ पे इंपोर्ट्स रॉ मटेरियल्स के इंपोर्ट करने के भी चैलेंजेस हैं, लेकिन डिमांड साइड जो है वो ज़्यादा इशू रहा है। लेकिन हमें यही उम्मीद है कि अभी थोड़ी सी चीज़ें जो स्टेबल होंगी तो दोबारा वापस आएगी, क्योंकि हमारा मुल्क डेवलपिंग कंट्री है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है हमें। 25 करोड़ की आबादी है और इन लोगों ने ज़िंदा रहना है और कुछ ना कुछ करना है। कब तक कुछ सिचुएशन, अब आपको कुछ लगता है जैसे डॉलर नीचे आना शुरू हुआ, तो कुछ स्टॉक मार्केट बेहतर हुई, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कुछ थोड़े से बता रहे हैं कि शायद सिचुएशन, आपको भी लग रहा है कि कुछ आने वाले दिनों में सिचुएशन चेंज होंगी? मेरा नहीं ख्याल कि ये जो आपने चीज़ें बताई हैं ये कोई परमानेंट कोई है, क्योंकि परमानेंट जो सोल्यूशन तब मिलेगा जब हम जो हमारे प्रॉब्लम है वो हल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो करेंसी पे प्रेशर आता है वो ट्रेड डेफिसिट की वजह से आता है। जब तक हम वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेंगे उस वक्त तक ये सोल्यूशन उसका हल नहीं है। नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ये चीज़ें रहेंगी। तो हमें सोल्यूशन इस तरह हल करना है, हमें रिफॉर्म करनी है। रिफॉर्म दोनों साइडों पे करनी है। रिफॉर्म इस तरह करनी है कि अपनी जो इम्पोर्ट्स है वो कम करें, लोकल जो प्रोडक्शन बढ़ाएँ और एक्सपोर्ट को बढ़ाएँ, ठीक है। दूसरा फिजिकल डेफिसिट जो है उसमें बड़ा ज़रूरी है कि गवर्नमेंट वो हम अपने बच्चों का फ्यूचर जो ना उसको अभी ना सेल कर दें, तो जो अभी कमा रहे हैं वही खर्च करें और स्पेशली गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट का साइज़ कम करें। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि वो कॉन्फिडेंस लाएंगी और फिर मार्केट जो है ना दोबारा वो कहते हैं ना रेल जो है वो पटरी पे चढ़ेगी और फिर वो इंशाल्लाह दौड़ेगी, भागेगी और मुल्क तरक्की की तरफ। ये सब ये पिछले 75 साल में ये जो कुछ चीज़ें आप ठीक करने की बात कर रहे हैं ये ठीक नहीं हुई, ऐसी चली हैं, लेकिन मुल्क में कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रही थी, चीज़ें चल रही थी, बिक भी रही थी कुछ, ये जो एकदम चीज़ें स्टक हुई हैं आपको लगता है कि सिर्फ स्वाइन फैक्टर्स के और कोई तरीका नहीं है उनको बेहतर करने का? एकदम जो चीज़ ख़राब हुई है उसकी बड़ी वजह पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी, लेकिन ये फैक्टर्स जो है ना ये पाइल अप होते जा रहे हैं ना। आपने 100 रुपया कर्ज लिया, फिर आपने 200 लिया, फिर 1000 हो गया, फिर 10000 हो गया, तो एक लिमिट होती है ना। फिर आप कैपेसिटी टू पे व्हेन योर PSDP की जो स्पेंडिंग से ज़्यादा आपकी डेट सर्विसिंग की स्पेंडिंग है तो फिर वो सर्वाइवल नहीं हो पाता। तो दैट हाल में ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है जो आप बता रहे हैं, और एक्चुअली ये जी लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है पेनफुल रिफॉर्म्स, और वो दिस इज़ द टाइम टू डू इट। जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है उनके पॉलिटिकल एजेंडाज होते हैं, बैगेज होते हैं, वो नहीं करती, जिससे मुल्क को नुकसान होता है। अब ये नॉन पॉलिटिकल गवर्नमेंट है तो रिफॉर्म करनी चाहिए, रिफॉर्म के बगैर नहीं हम मसले हल कर सकेंगे। ये अच्छा आपने आइडिया दिया। अच्छा ये बताइए कि अभी इस दफ़ा अप्रैल में आ रही है मिडल ईस्ट एनर्जी दुबई, और एक दफ़ा फिर आप प्लान में? जी बिल्कुल, हम ज़ोर शोर से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पिछले काफ़ी सालों से कर रहे हैं। हमारा बिल्कुल मिशन है कि हम एक्सपोर्ट पाकिस्तान से बढ़ाएं, क्योंकि मेटल्स जो हैं कॉपर है, एलमोनियम हम इम्पोर्ट करते हैं, और उस वक्त हमें जो हमारे बैंक्स हैं और गवर्नमेंट है वो फॉरेन एक्सचेंज देती है, क्योंकि हमारा मेन रेवेन्यू तो रुपीज़ में है, तो हम उसमें कंट्रीब्यूट करें कि वो डॉलर इम्पैक्ट जो है कम करें बाई एक्सपोर्टिंग, और उसकी हम फुल कोशिश कर रहे हैं। उसमें हमारी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि जिस तरह बाकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ को फैसिलिटेट किया हुआ है, डॉलर अर्नड ऑन एक्सपोर्ट इज़ इक्वल के चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री अर्न करती है, लेदर करती है या केबल्स करती है, तो सबको वो फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, क्योंकि हम भी उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकें। आप लोग चूँकि इस मिडल ईस्ट एनर्जी के अलावा इसके अलावा और मुल्कों में भी अटैम्प्ट कर रहे हैं, लगाई हैं आपने, इम्पैक्ट्स भी आए उसके कुछ? जी अभी नवंबर में सऊदी अरेबिया में एग्जीबिशन हो रहा है, हम उसमें भी जा रहे हैं, और भी जगहों पे हम गए हैं, नाइजीरिया में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान TDI पर और हमारी एम्बेसी ने किया था उसमें भी हम गए थे। ये चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें स्लोली स्टेडिली उसका ज़रूर फ़र्क पड़ता है, तो आई थिंक इट इज़ समथिंग विच इज़ अ लॉन्ग टर्म प्लान। शॉर्ट टर्म कभी इतनी जल्दी इसका इम्पैक्ट नहीं आता।
बट वी आर वेरी मच कन्विंस के दिस इज़ द वे फॉरवर्ड फॉर एवरीवन। और इस एक्सपो का इम्पैक्ट कैसा रहा अभी तक? एक्सपो बड़ी अच्छी चीज़ है, मैं समझता हूँ कि इस तरह की एक्सपो होनी चाहिए। एक तो नॉलेज शेयरिंग हो जाती है, सब लोगों से मुलाकात हो जाती है, हमने जो डेवलपमेंट्स की हैं, फास्ट LED लाइट्स हम लेके आए हैं, लोगों को उसके बारे में बता रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन हो जाता है। तो आई थिंक इट्स ग्रेट टू बी हेयर। आप लोगों ने कोई LED लाइट्स के अलावा भी कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की? हम काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं, हमने केबल्स की साइड पे पाकिस्तान में सेकंड CCV लाइन प्लांट जो है वो इंट्रोड्यूस किया था पिछले साल दिसंबर में, और ग्रिल एक कंडक्टर हम बनाते हैं फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में, जिसके लिए थर्मटेरी लाइन में हमने सप्लाई किया है गवर्नमेंट को, उसमें बड़ी ज़रूरत थी क्योंकि इम्पोर्ट नहीं हो रही थी। और LED लाइट्स तो है ही, फुल रेंज उसकी कर रहे हैं। हमारा मिशन ये है कि हम पाकिस्तान को सेल्फ रिलायंट बनाएं। थैंक यू वेरी मच मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। हमेशा व्यूअर्स मियाँ साहब से बात करके बड़ा अच्छा लगता है। पाकिस्तान के उन चंद लोगों में से, उन चंद इंडस्ट्रिस्ट में से हैं जो पाकिस्तान का दर्द भी रखते हैं और उस मसाइल को हल करने की जस्तजू भी करते हैं। अगले किसी इंटरव्यू तक इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।